तेरी प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तू भी इस लड़की की प्रॉब्लम समझ। ए, ये मेरी होने वाली बीवी है, समझा? तू इधर आ। मैं मरना पसंद करूंगी, पर इससे शादी नहीं करूंगी। सुन लिया ना, अब निकल। ए, साले तू है कौन? दोस्त है, लवर है या फिर इसका पति है, बता। किसी मजबूर लड़की की मदद करने के लिए उसका दोस्त, पति या प्रेमी होने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ इंसान होना चाहिए। अच्छा, ए, इसका सिर काट और लड़की को इधर लेकर आ। मुझ पर भरोसा करके जिंदगी का फैसला करने वालों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो इन्हें हाथ लगाएगा उनके हाथ उखाड़ लूंगा। अगर वो मेरी नहीं हो सकी तो किसी और की भी नहीं होगी। ये है इस शहर का सबसे बड़ा बाहुबली, डी ब्रदर्स का चेयरमैन धनंजय। इसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, इस शहर का मेयर बनना। ये वो सब धंधे करता है जिनसे आसानी से बहुत सारा पैसा आए, जैसे जमीनों पर कब्जा करना, शराब माफिया, बिल्डिंग्स बनाना। दामोदर और दिवाकर इसके दो भाई हैं। सिर्फ इनका खून ही नहीं बल्कि इनकी शैतानी सोच भी एक जैसी है। हाल ही में हुए कॉरपोरेशन के इलेक्शन में जीते हुए कॉरपोरेटर्स को धनंजय ने खरीद लिया है, सिवाय एक के। अब धनंजय के मेयर बनने का सपना सिर्फ उसी के वोट का मोहताज है। भेजा भी तुझे यहाँ? शेर खुद के अलावा किसी और के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता। तुम जैसा कुत्ता नहीं हूँ मैं। मेरा नाम टाइगर है, यंग टाइगर।
अब शराफत से कॉर्पोरेटर और उनकी फैमिली को मेरे हवाले कर दो, वरना बहुत होगा। अच्छा, वॉशिंग पाउडर का एडवर्टाइजमेंट है क्या? यहाँ पर आके तो हम सबको धोएगा, इसे रगड़ के धो रहे। रुको, रुको। अगर तुम सब ने अपना इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है तो बेहतर है मुझसे दूर रहो। टूटे हाथ पांव का इलाज महंगा होता है। ठीक है, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। किसी टपरी पर चाय पीते हैं, आराम से गप्पे लड़ाएंगे, बिल्कुल दोस्तों की तरह। तुम भी खुश और मैं भी खुश, फिर खुशी खुशी अपने घर जाएंगे। दूसरे ऑप्शन में तुम अपने हाथ पांव मुझसे तुड़वाओगे और फिर मेरे पैर पकड़कर मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे, लेकिन मैं कुछ और ही करूंगा। ऐसा कुछ बोल जो समझ में आए। मैं तुम्हें और ज्यादा मारूंगा। हम क्या खड़े खड़े तेरा मुंह देखेंगे? ए मारा रे! तेरा दोस्ताना वाला ऑफर अच्छा है, वो तो सुना है ना, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, तू मैं और मोदी की चाय पीकर दिल का कमल खिल उठेगा। वन टाइम ऑफर था, एक्सपायर हो गया, अब तू भी एक्सपायर हो जाएगा। ए भाई, करना पड़ेगा। थर्ड एम्पायर 2020 शुरू करो। चेत्रो ना, बंदर मदारी से नहीं बचेगा। ठीक है, तारीफ में कुछ कहना चाहूंगा, तुम्हें बुलेट पर देखते ही समझ गया कि तुम बुलेट राजा हो। किसी को मारना हो तो बुलेट बन जाता है, और जब किसी को तबाह करना हो तो बुलडोजर। पागल हो गए हैं क्या आप? मेयर नहीं बन पाया तो क्या फायदा, पागल हो जाऊंगा मैं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। किसने किया ये सब? कौन था वो जिसने ये सब किया? कौन था वो? बोल कौन? मैं नहीं जानता भाई, इससे पहले उसे कभी नहीं देखा। दिखने में कैसा था, कैसे दिखता था वो? दिखने में शिकार करता हुआ टाइगर जैसा था। मुझे वो आदमी चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। लगता है ये उसे जानता है। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, तुम जो चाहोगे दे दूंगा, सिर्फ उसका नाम बताओ। मेरा नाम ले सके इतनी हिम्मत तेरे किसी चमचे में नहीं। मैं वो हूँ जो यहाँ तेरा पॉलिटिक्स खत्म करने आया है। कौन हो तुम? नाम जानना जरूरी नहीं है, बस काम की तीन बातें याद रखना। नंबर वन, जिस मेयर की पोस्ट को पाने के लिए तू इतना तड़प रहा है वो तुझे कभी नहीं मिलेगी। नंबर टू, जिस नाम इज्जत और शोहरत का तुझे इतना घमंड है मैं उसकी धज्जियां उड़ा दूंगा। अरे सामने आ। तीसरी बात ये कि जब तेरी किस्मत खराब होगी तू मुझे सामने पाएगा। कौन है ये आदमी, ये है कौन? ये वो मॉम का फोन है। हेलो। हाँ मॉम। कैसे हो बेटा, अपना ख्याल रख रहे हो ना? टाइम पर खाता हूँ, टाइम पर सोता हूँ, अभी भी सो ही रहा था। अभी तक? इस वक्त अमेरिका में रात के 12 बजे हैं मॉम, इंडिया में भी 12 बजे हैं। हाँ, है? इसने तो इंडिया के दिन को अमेरिका की रात बना डाला। अरे चुप कर यार। ठीक है बेटा, अब तुम सो जाओ। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट। तुम तो हमारे साथ छुट्टियां बिताने के लिए आए हो ना, ये मेयर के साथ झगड़ा क्यों कर लिया? तुमने माँ से झूठ क्यों कहा कि तुम यूएस में हो? मेरे गाँव के लोग मुझे बहुत चाहते थे, वो मुझे अपने परिवार का सदस्य मानते थे। नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है जी। बेटा वैसे तो हमारी बेटियों के लिए कई रिश्ते आए, लेकिन हमें तुम्हारे फैसले का इंतजार है। ये सब क्या है पापा? सब अपनी बेटियों का रिश्ता लेकर आए हैं, हमने तो कह दिया जो होगा तुम्हारी मर्जी से। हाँ, तुम्हारे जैसा दामाद पकड़ कोई भी अपने आप को भाग्यशाली समझेगा।
बेटा तुम हम में से किसी की भी बेटी से शादी के लिए हाँ कहो तो हम सबको बहुत खुशी होगी। अब सब तुम्हारे हाथ में है। मेरे हाथों में नहीं, मेरी माँ के हाथों में। मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि इन्हीं की पसंद से शादी करूँगा। बताइए मॉम, इनमें से किसकी बेटी पसंद है? चिट्टी ही मेरी बहू बनेगी। चिट्टी मेरी दोस्त थी, हम एक साथ पले बड़े हैं। श्रीवल्ली में मेरे पापा के दोस्त रहते हैं धनंजय। चिट्टी उन्हीं की बेटी है। बचपन में ही मेरी शादी उससे तय हो गई थी। परिवार के सभी लोग इस रिश्ते से बहुत खुश थे। चिट्टी बड़ी होकर हमारे घर की बहू बनने वाली थी। अब निकलते हैं भाभी। अच्छा, चिट्टी मेरे पास आओ। मैं नहीं आऊंगी, मुझे आंटी के साथ ही रहना है। इसे 2-3 दिनों के लिए यहीं पर छोड़ दो ना। अच्छा ठीक, अच्छा चलते। मालिक, धनंजय जी की कार का एक्सीडेंट हो गया मालिक। भाभी मुझे वचन दीजिए कि आप मेरी बेटी को माँ का प्यार देंगी और बड़ी होने पर अपने घर की बहू बनाएंगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ चिट्टी, मेरी बहू बनेगी। और उस दिन से मेरी मॉम ने चिट्टी को अपनी बेटी जैसा पाला। लेकिन एक दिन रामचंद्र जी, इन्होंने वादा किया था कि पंचायत का प्रेसिडेंट बनते ही ये जमीन के कागजात लौटा देंगे। आपके कहने पे हमने इन्हें प्रेसिडेंट बनाया था और इन्होंने हमारी जमीन फैक्ट्री बनाने के लिए किसी और को बेच दी। एक किसान की आंखें हमेशा आसमान की तरफ होती हैं और तुझ जैसे गलत इंसान की झुकी हुई होती हैं। तुम प्रेसिडेंट पद के लायक नहीं, अभी रिजाइन करो। तुम्हारे पति ने मेरी बेइज्जती करके ठीक नहीं किया है, उसे और गांव वालों को दिखाऊंगा ये धनंजय क्या बड़ा है। मैं चिट्ठी को अपने घर की बहू मान चुकी थी। पापा, अंकल गांव से क्या चले गए, उन्होंने हमें भुला दिया। चिट्टी की माँ गुजर गई और वो रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन मॉम ने आज तक अपना दिया हुआ वादा नहीं भूला है। मॉम के लिए आप ही उनके सब कुछ हैं, आपको भी उनके जज्बात समझने चाहिए। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बेटे का रिश्ता पहले से तय हो चुका है।